हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज हम इंडियन पीनल कोड में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है कॉमन इंटेंशन। कॉमन इंटेंशन क्या है, कैसे कॉन्स्टिट्यूट होता है, और जो सेक्शन 34 से 38 है इंडियन पीनल कोड का, वो कॉमन इंटेंशन में डील करता है। एक इंडिविजुअल जब भी कोई ऑफेंस करता है तो उसके पीछे उसका क्या इंटेंशन है, ये पता लगाना बहुत आसान होता है, और उसके एक्ट का जो भी फाइनल कॉन्सिक्वेंस होता है वो उसके लिए लाइबल हो जाता है। लेकिन ऐसे केसेस का क्या जहाँ पे एक ही ग्रुप के अलग अलग मेंबर जो हैं वो अलग अलग एक्ट करते हैं और उनका इंटेंशन एक होता है या डिफरेंट इंटेंशन के साथ करते हैं, तो उनकी लाइबिलिटी कैसे डिसाइड की जाती है, जो उनका एक्सटेंट ऑफ पार्टिसिपेशन है, जो एक्सटेंट ऑफ कंट्रीब्यूशन है, वो कैसे डिसाइड किया जाता है। इसी जो बात है इसको मद्देनजर रखते हुए आईपीसी में जो सेक्शन 34 से 38 है वो इन सारे जो सर्कमस्टेंसेस है उनको डील करता है। तो आइए हम शुरू करते हैं सेक्शन 34 से। सेक्शन 34 में जो है, अगर आप सिंपल इसको एक लाइन में समझना चाहते हैं तो समझिए कि जब कुछ लोग मिल करके कोई क्रिमिनल एक्ट करते हैं और वो जो क्रिमिनल एक्ट करते हैं वो कॉमन इंटेंशन के फर्देंस, मतलब उन सबके बीच में एक कॉमन इंटेंशन होता है किसी एक्ट को करने का, और अगर वो एक्ट ऐसा करते हैं तो सारे पर्सन जो हैं वो इक्वली लाइबल होंगे सेम ऑफेंस के लिए, सेम मैनर में जैसे उन्होंने ये ऑफेंस अकेले किया हो। सेक्शन 34 को अभी हम पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे, उससे पहले आप कुछ बातें समझ लीजिए सेक्शन 34 के बारे में। सेक्शन 34 जो है वो कोई डिस्टिंक्ट ऑफेंस क्रिएट नहीं करता है, मतलब अपने आप में सेक्शन 34 कोई ऑफेंस क्रिएट नहीं करता है। ये आप जो है जो भी इस एक्ट जो इसमें क्रिमिनल एक्ट होगा उसका जो मेन कॉन्सिक्वेंस होगा, जो मेन ऑफेंस होगा, वो आईपीसी के किसी सेक्शन में जाएगा और वहां पे हम जो है वो उसके साथ 34 को लगाते हैं, 34 पढ़ते हैं। मतलब अगर कोई क्रिमिनल एक्ट हुआ है जिसमें मान लीजिए मर्डर हुआ है तो मर्डर का सेक्शन और हम उसके बाद से उसमें लगा देंगे रीड विद सेक्शन 34। उसी तरह से है कि ये ज्वाइंट क्रिमिनल लायबिलिटी पे बेस्ड है सेक्शन 34, तो कैसे है ये हम आपको आगे बताएंगे। कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी कैसे, ये भी मैं आपको भी बताऊंगी, और सेक्शन 34 जो है वो एक रूल ऑफ एविडेंस पे बेस्ड है। आइए हम शुरू करते हैं सेक्शन 34 के एसेंशियल एलिमेंट्स के साथ में। सबसे पहला, क्रिमिनल एक्ट डन होना चाहिए दो या दो से ज्यादा लोगों के द्वारा। सेवरल पर्सन वर्ड यूज किया गया है सेक्शन 34 में, तो मिनिमम दो और दो से ज्यादा लोग हो सकते हैं, उनके द्वारा मिलके कोई क्रिमिनल एक्ट होना चाहिए। वो क्रिमिनल एक्ट जो है वो इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन होना चाहिए। और तीसरा जो है कि वो जो सारे पर्सन होंगे दो या दो से ज्यादा, उन सब का पार्टिसिपेशन होना चाहिए, किसी ना किसी तरह का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए उस पूरे के पूरे ऑफेंस को कमिट करने में। ये तीनों जो एलिमेंट्स हैं वो जरूरी हैं 34 के अंदर लायबिलिटी बनाने के लिए। ऐसा नहीं है कि इसमें से सिर्फ एक जो है वो सफिशियंट हो जाएगा, तीनों मिलाएंगे तब जाकर के 34 के अंदर लायबिलिटी बनेगा। आइए अब हम इसको वन बाई वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्रिमिनल एक्ट की बात करते हैं। क्रिमिनल एक्ट में आप देखेंगे तो सेक्शन 33 जो है वो एक्ट को डिफाइन करता है, जिसमें कहा गया है कि एक्ट कोई जरूरी नहीं कि सिर्फ एक सिंगल एक्ट हो, उसमें पूरी की पूरी सीरीज ऑफ एक्ट हो सकती है। तो एक पर्सन जब कोई एक ऑफेंस करता है तो उसके पीछे बहुत सारे सेवरल एक्ट हो सकते हैं उसके, और वो पूरी सीरीज बनाता है उस फाइनल जो एक्ट है उसको करने से पहले, तो वहां पे उसके सीरीज ऑफ एक्ट को आप आराम से उसकी कड़ियों को जोड़ सकते हैं। लेकिन ऐसे में क्या, जब एक ही ग्रुप के डिफरेंट मेंबर्स जो है वो डिफरेंट एक्ट करते हैं, या तो डिफरेंट इंटेंशन के साथ या एक इंटेंशन के साथ में, तो उनके जो एक्ट है उसको हम कैसे देखते हैं। तो अगर आप सेक्शन 33 और 34 को मिला करके पढ़ेंगे तो जो एक्ट का वर्ड यूज किया गया 34 में, उसमें जो है सीरीज ऑफ एक्ट जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करती है एक सिंगल एक्ट, मतलब सेवरल पर्सन जो है वो मिल करके कोई एक ऑफेंस करते हैं और उस ऑफेंस को करने के पीछे हर एक इंसान जो वो कुछ अलग अलग एक्ट कर रहा है। मान लीजिए एक मेन ऑफेंडर है जिसने मेन ऑफेंस किया है और बाकी सिर्फ जो है वो किसी तरह का कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं उस ऑफेंस को करने में, पार्टिसिपेट कर रहे हैं उस ऑफेंस को करने में, तो उनका जो ये पूरी सीरीज एक्ट है वो एक फाइनल कॉन्सिक्वेंस जाकर के होता है कि एक बड़ा ऑफेंस होता है, लेकिन वो सारे जो है वो इक्वली लाइबल होते हैं। यहाँ पे अब हम आते हैं सेकंड पे कि कॉमन इंटेंशन क्या होता है। तो एक जनरल इंटेंशन जो सबने एक साथ शेयर किया हो,
इसको समझने का बहुत सिंपल तरीका है कि कुछ लोग हैं जो मिल करके कोई प्लान बनाते हैं। कॉमन इंटेंशन का मतलब है कि अगर एक इंसान का किसी ऑफेंस को करने का कोई इंटेंशन है और उसने उसको कुछ लोगों के साथ शेयर किया और वो भी उनके साथ शामिल हो गए उस ऑफेंस को करने में, तो इसको ही हम कहते हैं कॉमन इंटेंशन। कॉमन इंटेंशन के लिए बहुत जरूरी है कि प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड्स होना चाहिए, उस ऑफेंस को करने पे सब के सब राजी होने चाहिए और वो इंटेंशन एक दूसरे के साथ शेयर होना चाहिए। और यहाँ पे देख लीजिए, मैंने आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश की कि मान लीजिए ए बी और सी हैं और ये तीनों मिल करके बैठ करके ये प्लान करते हैं, ये प्री मेडिटेटेड होता है कि इनको एक्स को मारना है। तो इसी को हम कहते हैं कॉमन इंटेंशन, जहां पे आप एक दूसरे के साथ अपना इंटेंशन शेयर करते हैं किसी एक पर्टिकुलर एक्ट को करने के लिए। दूसरा है नॉलेज सिर्फ सफिशियंट नहीं होता है। मान लीजिए ए बी और सी है, उसके अलावा एक और डी भी है, उसको नॉलेज है कि ए बी और सी जो है वो एक्स को मारने वाले हैं, लेकिन इसमें डी का जो लायबिलिटी है वो सेक्शन 34 के अंदर कोई नहीं बनेगा, क्योंकि डी ने जो है वो अपना इंटेंशन इन तीनों के साथ शेयर नहीं किया या इन तीनों ने अपना इंटेंशन डी के साथ शेयर नहीं किया है। तो ये होता है कॉमन इंटेंशन। अब आइए मैं आपको पूरा का पूरा सेक्शन 34 जो है वो इसमें समझाती हूँ कि सेक्शन 34 कैसे अप्लाई होता है। मैंने आपको बताया कि ए बी और सी हैं पिछले चार्ट में और इन्होंने अपना एक प्री प्लान किया कि इनको एक्स को मारना है। अब इसमें जो ए है वो ये प्लान बनाता है कि वो एक्स को सूट करेगा, बी से कहता है कि तुम बाइक पे रहना कि हम ऑफेंस करने के बाद हमें भागने में आसानी हो, हमें कोई पकड़े नहीं, और सी से कहता है कि जो वहां अगल बगल के लोग होंगे तुम उनको डराने का काम करना ताकि मुझे एक्स को मारने में कोई दिक्कत ना हो। अब यहाँ पे देखिए एक्स जाता है, ए जाता है वो एक्स को गोली मारता है और बी और सी जो है वो सिर्फ और सिर्फ अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं ए के मेन एक्ट में को करने में। अब यहाँ जो मेन ऑफेंस है वो सिर्फ ए ने कमिट किया है, बी और सी जो है वो सिर्फ उस एक्ट को पूरा कराने के लिए अपना पार्टिसिपेशन दे रहे हैं। लेकिन वो क्यों दे रहे हैं पार्टिसिपेशन? क्योंकि उनके बीच पहले से एक कॉमन इंटेंशन है, एक मीटिंग ऑफ माइंड्स है उनका कि उनको एक्स को मारना ही मारना है। तो देखिए ये बहुत कॉमन सेंस की बात है कि कोई भी जब कुछ लोग मिल करके एक ऑफेंस को करते हैं और उसमें से एक जो मेन है वो मेन ऑफेंस कर रहा है एक बंदा, और बाकी जो है उसको किसी तरह का इंकरेजमेंट दे रहे हैं, कोई हेल्प दे रहे हैं, कोई पार्टिसिपेशन दे रहे हैं, कोई सपोर्ट दे रहे हैं, तो और वो क्यों दे रहे हैं? क्योंकि उनके बीच में एक कॉमन इंटेंशन था उस एक्ट को करने का, इसलिए वो दे रहे हैं। तो क्या सिर्फ ये हम कहें कि ए ही लाइबल होगा क्योंकि गोली सिर्फ उसने ही चलाई है एक्स को मारने के लिए? तो ये ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इंडियन पीनल कोड ने 34 के अंदर प्रोविजन बनाया है कि आप इन द फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन अगर कोई एक्ट करते हैं और भले ही मेन एक्ट जो है मेन ऑफेंस वो किसी एक ने किया हो, लेकिन आप कॉमन इंटेंशन के फर्दरेंस में अगर किसी भी तरह का कोई भी पार्टिसिपेशन उस मेन एक्ट को करने में देते हैं तो आप equally main offense के लिए ही liable होंगे। मतलब A, B और C वो तीनों murder के लिए liable होंगे। यहाँ पे murder का section read with 34 लगाएंगे, इसीलिए section 34 को हम constructive liability पे based बोलते हैं, क्योंकि B और C main offense नहीं किए हैं फिर भी वो equally murder के लिए liable हो रहे हैं, जैसे कि A liable हो रहा है। तो ये पूरा का पूरा section 34 है। अब इसके कुछ अलग अलग भी सर्कमस्टेंसेस हैं, आइए उसको देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो क्रिमिनल एक्ट वो होल कैसे बना, मेन ऑफेंस प्लस पार्टिसिपेशन ऑफ बी एंड सी, मेन ऑफेंस ए का और बी और सी, ये पूरे मिल करके जो है वो क्रिमिनल एक्ट बनाते हैं इन द पर्सपेक्टिव ऑफ सेक्शन 34। और यहाँ पे ए बी सी जो है वो ज्वाइंटली लायबल होंगे मेन ऑफेंस के लिए और ज्वाइंटली ट्राइड होंगे अंडर सेक्शन 223 ऑफ सीआरपीसी। मतलब सेक्शन 34 जो है वो एक लीगल फिक्शन क्रिएट कर रहा है कि अगर आपने कॉमन इंटेंशन के फर्दरेंस में कोई भी ऑफेंस किया है तो
आपने भले ही मेन एक्ट नहीं किया है लेकिन अगर आपने उसमें पार्टिसिपेट किया है तो आप भी मेन ऑफेंस के लिए लाइबल होंगे और ऐसे लाइबल होंगे जैसे आपने उसको खुद किया हो उस ऑफेंस को। सेक्शन 34 जो है वो एक लीगल फिक्शन यहाँ पे क्रिएट कर रहा है। इसी पे एक बहुत इंपॉर्टेंट केस आया था बरेंद्र कुमार घोष वर्सेस किंग एम्परर का, ये प्रीवी काउंसिल ने इसमें अपना डिसीजन दिया था और प्रीवी काउंसिल ने कहा था कि जो सेक्शन 34 है जिसमें कोई एक्ट बहुत सारे पर्सन अगर मिलके करते हैं, अब वो एक्ट चाहे उनका सेपरेट एक्ट हो, सिमिलर एक्ट हो, डाइवर्स एक्ट हो, लेकिन अगर वो सारे के सारे एक्ट इन द फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन किए जा रहे हैं तो वो सारे पर्सन जो है वो जो फाइनल रिजल्ट होगा उनके एक्ट का उसके लिए वो सब के सब लाइबल होंगे, ऐसे जैसे कि वो इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल हो, वो इंडिविजुअली उस ऑफेंस को किए हैं। तो यहाँ पे ये जो क्रिमिनल एक्ट है वो इन दोनों को मिलके बनाता है सेक्शन 34 में। आइए अब हम देखते हैं क्रिमिनल इंटेंशंस के कुछ अलग अलग सर्कमस्टेंसेस। ये तो बात हो गई कि क्रिमिनल इंटेंशन जो है वो पहले से प्री प्लान था, इन लोगों ने बैठ करके मीटिंग की थी, इनका प्लान था कि एक्स को मारना है। ऐसे केसेस का क्या जहां पे कोई पहले से प्लानिंग नहीं होती और ऑन द स्पॉट वो डेवलप होती है, तो ऐसे में हम कैसे लायबिलिटी इंडिविजुअल पर्सन की डिसाइड करेंगे। तो आइए एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एक मार्केट है जहाँ पे एक्स जो है वो ज्वेलरी शॉप से कुछ गोल्ड ज्वेलरी लेके निकलता है और ए जो है वो एक्स को देख लेता है और उसके दिमाग में आइडिया आता है कि उसको वो ज्वेलरी चाहिए, उसको एक्स से लेनी है। बी जो एक बाईस्टैंडर है, ए जो है वो बी के पास में जाता है और कहता है कि एक्स के साथ में वो ज्वेलरी लूटने में तुम मेरी मदद करो तो मैं तुमको इतना शेयर दे दूंगा, और बी जो है वो इसके लिए राजी हो जाता है। मतलब ए का जो यहाँ पे थेफ्ट का इंटेंशन था उस इंटेंशन को उसने बी के साथ शेयर किया और ए और बी ने मिलकर उसको सी के साथ शेयर किया और सी भी जो है वो पार्टिसिपेशन के लिए राजी हो गया। मतलब जो कॉमन इंटेंशन था वो यहाँ पे इनका फॉर्म हो गया ए बी और सी के बीच में। अब बी और सी जो जाते हैं एक्स को जोर से पकड़ते हैं और ए जो है वो उससे ज्वेलरी जो है वो छीन लेता है। मेन एक्ट ए ने किया और बी और सी ने इसमें पूरा अपना कंट्रीब्यूशन दिया, पूरा पार्टिसिपेशन किया। तो क्यों किया? क्योंकि उससे पहले उन्होंने अपना कॉमन इंटेंशन फॉर्म कर लिया था। तो यहाँ पे ए बी और सी की जो लायबिलिटी होगी वो यही होगी कि वो तीनों थेफ्ट के लिए लायबल होंगे। रीड विद सेक्शन 34 आईपीसी। तो स्पॉट के केसेस में भी हम लायबिलिटी ऐसे डिसाइड करते हैं। एक बात और जान लीजिए कि क्रिमिनल कॉमन इंटेंशन जो है वो ऐसा नहीं कि एट सम पॉइंट ऑफ टाइम बना था। जब तक ऑफेंस हो वो कॉमन इंटेंशन कंटिन्यू होना चाहिए। मतलब यहाँ पे एक एग्जांपल्स आप समझिए, ए बी सी और डी हैं, ये एक्स के मर्डर का प्लान करते हैं और इनकी जो प्लानिंग होती है जो प्री मेडिटेटेड होता है ये 1 जून को होता है। मर्डर का डेट ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये 10 को मर्डर करेंगे। अब 10 को या 10 से पहले डी जो है वो अपना माइंड चेंज कर लेता है और कहता है कि वो इस ऑफेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो क्या अभी भी डी लाइबल होगा? तो मैंने आपको ऊपर बताया कि जो सेक्शन 34 है उसकी लाइबिलिटी के लिए क्रिमिनल एक्ट, कॉमन इंटेंशन और पार्टिसिपेशन तीनों ही जरूरी है। तो अगर डी यहाँ पे अपना माइंड चेंज कर लेता है और पार्टिसिपेट नहीं करता है ऑफेंस में तो सिर्फ कॉमन इंटेंशन के ब्याप पे कि एट सम पॉइंट ऑफ टाइम उसका कोई इंटेंशन था ऐसा, तो उसके लिए आप उसको सेक्शन 34 में लाइबल नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे सिर्फ ए बी सी जो है अगर वो एक्स का मर्डर कर देते हैं जाकर के तो यहाँ पे सिर्फ ए बी सी लाइबल होंगे, डी लाइबल नहीं होगा। इसी पे आपका एक केस भी था स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश वर्सेस देशराज। इसमें कोर्ट ने कहा था कि जो सेक्शन है उसका ये इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कि कॉमन इंटेंशन होने के साथ साथ एक्ट में पार्टिसिपेशन होना भी जरूरी है। तो ये जो है कि आप इंटेंशन जो है वो कंटिन्यू होना चाहिए एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ ऑफेंस। अब आइए एक और चीज देखते हैं। मान लीजिए ए बी और सी जो है वो मिल करके अपना किसी और एक्ट के लिए कॉमन इंटेंशन फॉर्म करते हैं, लेकिन जब वो मेन ऑफेंस करने जाते हैं तो उसमें से किसी एक का जो इंटेंशन है वो अलग रहता है। कैसे? आइए समझते हैं। ए बी और सी हैं, ये तीनों मिलकर के प्लान बनाते हैं कि उनको एक्स को बहुत बुरी तरह से मारना है। ये इनका एक कॉमन इंटेंशन है जिसके लिए इन्होंने मीटिंग की है, एक प्लानिंग की है।
अगर ये एक्स को मारते हैं तो ये ग्रीवियस हर्ट के लिए लाइबल हो जाएंगे, लेकिन एक जो है वो अपने अंदर ये बात भी सोचता है कि उसको एक्स को मारना है, लेकिन वो ये इंटेंशन बी और सी के साथ डिस्कस नहीं करता है, अपना इंटेंशन शेयर नहीं करता है बी और सी के साथ में। और ये तीनों जब एक्स को मारने के लिए जाते हैं तो बी और सी तो मार रहे होते हैं, ए जो है वो नाइफ रखा रहता है और निकालता है और वो एक्स को स्टैप कर देता है। तो यहाँ पे अब ए बी और सी की क्रिमिनल लायबिलिटी क्या होगी? ए हम ऐसे एलिमेंट्स में को लगा करके देखते हैं, ए का इंटेंशन था एक्स को मारने का, लेकिन उसने अपना ये इंटेंशन बी और सी के साथ शेयर नहीं किया, मतलब ये कॉमन इंटेंशन हुआ ही नहीं। तो अगर कॉमन इंटेंशन नहीं हुआ तो इसका स्टेप करना एक्स को, ये एक्ट जो है वो इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन हुआ ये हम नहीं बोल सकते हैं। तो यहाँ पे बी और सी जो है वो लाइबल नहीं होंगे मर्डर के लिए, ए जो है अपने इंडिविजुअल एक्ट के लिए सिर्फ अकेले लाइबल होगा मर्डर के लिए। उसी तरह एक और चीज देख लीजिए, ए बी और सी जो है वो एक्स को मारने के लिए जा रहे थे और ए जो है वो रास्ते में कोई वाई मिल गया, उसका पर्स उसने चुरा लिया। अब जो पर्स चुराना है वो एक्स को मारने से रिलेटेड तो था नहीं और वो इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन भी नहीं था, वो इंटेंशन ए का भी पहले नहीं था, वो ऑन द स्पॉट क्रिएट हुआ। तो यहाँ पे भी अगर आप इंडिविजुअली वो एक्ट कर रहे हो और वो इंटेंशन आपने शेयर नहीं किया है और ना ही बी और सी उसमें कोई पार्टिसिपेशन दे रहे हैं, तो उस थेफ्ट के लिए भी ए जो है वो इंडिविजुअली लाइबल होगा, ना कि बी और सी भी लाइबल होंगे। इसमें एक पांडुरंग वर्सेस स्टेट ऑफ हैदराबाद का इंपॉर्टेंट केस है। इसमें कोर्ट ने कहा था कि जो भी पर्सन अगर डिफरेंट इंटेंशन के साथ कोई एक्ट करता है जो इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन नहीं है, तो वो पर्सन अपने इंडिविजुअल एक्ट के लिए अकेले ही लाइबल होगा। इसमें एक फ्री फाइट का भी केस है, जैसे कि मान लीजिए सड़क पे दो गैंग जा रही है या चार चार लोगों का ग्रुप जा रहा है और उनके बीच में अचानक से लड़ाई हो जाती है, मतलब पहले से कोई इंटेंशन कोई प्री प्लानिंग नहीं होती है, तो वो सब जो है अपने इंडिविजुअल एक्ट के लिए अकेले अकेले खुद लायबल होते हैं। इनको इनका 34 में कोई भी लायबिलिटी नहीं बनता है। अब एक बात और समझिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि कॉमन इंटेंशन और सेम इंटेंशन या सिमिलर इंटेंशन में क्या डिफरेंस है। कॉमन इंटेंशन और सिमिलर इंटेंशन सेम नहीं होता है। देखने में आपको ये एक जैसे लगते हैं लेकिन इन दोनों में काफी अंतर होता है। कॉमन इंटेंशन तो वो होता है जो सेवरल पर्सन मिलके एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं एक इंटेंशन को, किसी एक्ट को करने के लिए। सेम और सिमिलर इंटेंशन में ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि इंटेंशन जो है वो शेयर किया गया हो एक दूसरे के साथ, पर दोनों का इंटेंशन एक ही है। अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। ए बी और सी जो है वो एक्स को मारना चाहते हैं, उसके लिए उन्होंने मीटिंग की, उसके लिए उन्होंने प्री प्लानिंग की, मतलब इंटेंशन एक दूसरे के साथ शेयर किया, तो ये तो कॉमन इंटेंशन होता है। अब ए जो है वो भी एक्स को मारना चाहता है, बी जो है वो भी एक्स को मारना चाहता है, लेकिन इन दोनों ने एक दूसरे के साथ में अपना इंटेंशन शेयर नहीं किया है, कोई भी प्रायर मीटिंग नहीं हुई है इनकी, तो ए भी जाता है एक्स को मारने, बी भी जाता है एक्स को मारने। ये दोनों का अपना डिफरेंट डिफरेंट एक्ट है लेकिन इंटेंशन एक ही है, क्या एक्स को मारना है, तो इसको हम कहते हैं सेम इंटेंशन। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है कॉमन इंटेंशन और सेम इंटेंशन में, इसको ध्यान में रखिएगा। और इसी कॉमन इंटेंशन और सेम इंटेंशन को डिस्कस किया गया था, बहुत ही फेमस केस है महबूब साहब वर्सेस एम्परर के केस में, जहां पे प्रीवी काउंसिल ने कहा था कि कॉमन इंटेंशन और सेम इंटेंशन अलग अलग चीज है, और अगर सेम इंटेंशन है तो आप जो है वो 34 में लाइबिलिटी नहीं लेके आ सकते हैं जो एक्यूज्ड है उसका। अब आती है बात कि कॉमन इंटेंशन को हम प्रूव कैसे करेंगे, तो बहुत कम केसेस होते हैं जहां पे कॉमन इंटेंशन डायरेक्टली प्रूफ किया जा सकता है, तो ज्यादातर केसेस में ये सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस के थ्रू प्रूफ होता है, जो हर केस के फैक्ट्स और सर्कमस्टेंसेस पे डिपेंड करता है। और एक बात और ये ध्यान रखिएगा, इसमें जो बर्डन ऑफ प्रूफ होता है वो प्रोसिक्यूशन के ऊपर होता है कि वो कॉमन इंटेंशन जो है वो सबके बीच में प्रूफ करे, और अगर वो फेल हो जाता है प्रूफ करने पे तो ये बेनिफिट ऑफ डाउट जो है वो एक्यूज्ड को मिल जाता है। और 34 में लायबिलिटी तब तक नहीं बनेगी जब तक कि आप कॉमन इंटेंशन एस्टैब्लिश नहीं कर दो, अगर एस्टैब्लिश नहीं करते हो तो
सब अपने इंडिविजुअल एक्ट के लिए अलग अलग लाइबल होंगे, 34 में लाइबिलिटी नहीं बनेगी। अब हम आते हैं तीसरे एलिमेंट पे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा एलिमेंट है, एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल। वैसे तो मैंने अभी तक आपको कॉमन इंटेंशन में ये बता दिया है कि एक्टिव पार्टिसिपेशन क्या होता है, और सिर्फ कॉमन इंटेंशन जरूरी नहीं है, उस कॉमन इंटेंशन के फर्दरेंस में सबके सब पार्टिसिपेट भी करना चाहिए, ये भी जरूरी है, वरना 34 के अंदर लायबिलिटी नहीं बनती है। यहाँ पे मैंने बताया आपको एक डायग्राम के थ्रू कि ए बी और सी जो है वो एक्स को मारने का प्लान करते हैं, लेकिन जिस दिन उनको ये प्लान एग्जीक्यूट करना होता है उस दिन ए और बी तो पहुंच जाते हैं स्पॉट पे, पर सी जो है वो सोया रह जाता है। तो क्या सी लाइबल होगा कॉमन इंटेंशन के लिए? नहीं, पार्टिसिपेशन भी जरूरी है 34 की लाइबिलिटी के लिए, तो यहाँ पे सी जो है वो लाइबल नहीं होगा। आइए अब हम आते हैं सेक्शन 35 पे। ये तो आपका हो गया पूरा 34, उसमें मैंने आपको अलग अलग सर्कमस्टेंसेस समझा दिए कि कैसे कैसे क्या डिफरेंट एक्ट्स होंगे, क्या डिफरेंट इंटेंशन होगा, तो सबकी लाइबिलिटी क्या अलग अलग होगी। 35 में देखिए, 35 कहता है कि कोई भी एक्ट जो किसी कुछ लोगों के द्वारा किया गया हो लेकिन उनका क्रिमिनल नॉलेज और इंटेंशन जो है वो एक हो, तो वो सारे के सारे जो हैं वो सेम मैनर में लाइबल होंगे, जैसे उन्होंने अलग से ही उसको उसी नॉलेज और इंटेंशन के साथ किया हो। अब देखिए सेक्शन 35 और 34 में पहले आप डिफरेंस समझिए क्या है। सेक्शन 34 में जो लाइबिलिटी बन रही थी वो इसलिए बन रही थी क्योंकि आप इंटेंशन में पार्टिसिपेट कर रहे थे। 35 में पूरा का पूरा मेंटल एलिमेंट जो मेंस रिया है वो चेंज हो जा रहा है, यहाँ क्रिमिनल नॉलेज और इंटेंशन की बात कर रहा है। दूसरी चीज, सेम क्रिमिनल नॉलेज और इंटेंशन के लिए कोई जरूरी नहीं है कि उनका पहले से मीटिंग ऑफ माइंड हो, पहले से कोई प्री प्लानिंग हो। दूसरी चीज आप समझिएगा कि 34 में जो है वो एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है कुछ का, और एक जो होता है वो मेन ऑफेंस करता है। जो 35 में उसमें सबके सब मेन ऑफेंस ही कर रहे होते, कोई किसी को एक्टिव, कोई यहाँ पे एक्टिवली पार्टिसिपेट जैसा कुछ नहीं है यहाँ पे। और तीसरी बात, अगर आपने डिफरेंट क्रिमिनल नॉलेज और इंटेंशन के साथ किया है कोई ऑफेंस, तो आप फिर जो है वो सेम ऑफेंस के लिए लाइबल नहीं होंगे, आप सिर्फ अपने इंडिविजुअल एक्ट के लिए अलग से लाइबल होंगे। मतलब कि 35 में कोई भी एक्ट सेम नॉलेज और सेम इंटेंशन से किया गया हो, एक्ट एक ही है लेकिन उसको बहुत लोग मिल करके कर रहे हैं, लेकिन उन सबका एक ही इंटेंशन है, तो वो सब एक ही साथ एक ही मैनर में लाइबल होंगे। एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझ लीजिए। ए जो है उसको भी एक्स को मारना है, बी जो है उसको भी एक्स को मारना है, सी जो है उसको भी एक्स को मारना है। ए को पता है कि एक्स के सर पे मारेगा तो एक्स मर जाएगा, बी को पता है कि वो उसको स्टेप करेगा तो एक्स मर जाएगा, सी को पता है कि वो उसको गोली मारेगा तो मर जाएगा। मतलब इनका जो एक इंटेंशन है वो तो है कि एक्स को मारना है, और इनको इंटेंशन या नॉलेज में से कोई भी एक चीज होनी चाहिए। ए जो जाता है वो उसके सर पे मारता है, बी जो है वो स्टेप कर देता है, सी शूट करता है, तो तीनों जो हैं वो सेम मैनर में ही लाइबल होंगे। इनके बीच में कोई पहले से इंटेंशन शेयर नहीं हुआ है लेकिन सेम इंटेंशन के साथ वो ये एक्ट कर रहे हैं। दूसरी बात जो मैं आपको कह रही थी, यहाँ पे सब मेन ऑफेंस कर रहे हैं, कोई किसी का एक्टिव पार्टिसिपेशन जैसा कुछ नहीं है इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन, क्योंकि यहाँ पे कॉमन इंटेंशन है ही नहीं, सबका अलग अलग है, सबका अपना अलग इंटेंशन है, पर एक ही है कि एक्स को मारना है। दूसरी बात और समझिए, अगर यहाँ पे वहां पे जो एक्टिव पार्टिसिपेट करता है 34 में वो भी मेन ऑफेंस के लिए लाइबल होता है, लेकिन अगर यहाँ पे किसी का कोई डिफरेंट नॉलेज और इंटेंशन है तो वो मेन ऑफेंस के लिए लाइबल नहीं होगा। जैसे मान लीजिए जो सी है वो जाता है और एक्स को सिर्फ एक थप्पड़ मारता है, और उसको पता है कि एक थप्पड़ मारने से एक्स नहीं मरेगा और ना ही उसका इंटेंशन है एक्स को मारने का, लेकिन ए जो आता है वो उसको सर पे मारता है और बी जो है उसको स्टेप करता है, तो सी क्या अभी भी मर्डर के लिए लाइबल होगा? तो नहीं, सी जो है वो सिर्फ हर्ट के लिए लाइबल होगा और ए और बी जो है वो मर्डर के लिए लाइबल होंगे। तो 35 के सर्कमस्टेंसेस जो है वो ऐसे बनते हैं। अब आ जाइए 36 पे। 36 का सिंपल सी बात है कि इसमें एक्ट और ओमिशन दोनों ही होते हैं। मतलब अगर आप एक इंसान ने, यहाँ पे याद रखिएगा कि सेवरल पर्सन की बात नहीं की गई है, यहाँ पे एक इंसान भी अगर एक्ट और ओमिशन दोनों को मिला करके कोई ऑफेंस करता है तो वो जो है वो जो उसका फाइनल रिजल्ट होगा
उसके पूरे के पूरे एक्ट और ओमिशन का वो उसके लिए लाइबल होता है। यहाँ पे एक एग्जांपल की तरह मैंने आपको समझाया, ये इसका इलस्ट्रेशन ही है एक्चुअली सेक्शन 36 का, कि ए जो है वो एक्स को खाना नहीं देता है, स्टार्विंग, पहले तो वो ये ओमिशन कर रहा है, मतलब यहाँ पे कोई वो डायरेक्ट एक्ट नहीं कर रहा है, बस वो खाना नहीं दे रहा है तो ओमिशन कर रहा है। तो पहली तो एक्स जो है वो हंग्री है, दूसरा ए ने एक्ट किया, यहाँ पे डायरेक्टली एक्ट करता है कि वो उसको मारता है और एक्स जो है वो मर जाता है। ए के ओमिशन और एक्ट दोनों को मिला करके जो इसका कॉन्सिक्वेंस निकला वो ये निकला कि एक्स जो है वो मर गया। मतलब उसने पार्टली जो है वो ओमिशन किया और पार्टली जो है वो एक्ट किया, उन दोनों को मिला करके कॉन्सिक्वेंस निकला कि एक्स मर गया। तो ए यहाँ पे जो है वो मर्डर के लिए लाइबल होगा। ये सेक्शन 36 है। अब आ जाइए सेक्शन 37 पे। सेक्शन 31 कहता है कि कोई भी ऑफेंस जिसमें बहुत सारे एक्ट्स हो और सब एक दूसरे को इंटेंशनली कोऑपरेट कर रहे हैं उस ऑफेंस में, चाहे सिंगली कर रहे हो चाहे ज्वाइंटली कर रहे हो, वो उस ऑफेंस को कमिट करने में लेकिन किसी ना किसी तरह इंटेंशनली कोऑपरेट कर रहे हैं, तो वो 37 के अंदर लायबल होंगे। अब यहाँ पे आप समझ लीजिए कि इंटेंशनली कोऑपरेट जो है वो कॉमन इंटेंशन से बिल्कुल अलग है। 34 और 37 में देखिए मेन डिफरेंस क्या है। पहले तो इंटेंशनली कोऑपरेट करना कॉमन इंटेंशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पहले से कोई मीटिंग ऑफ माइंड नहीं होती है, पहले से कोई प्री प्लानिंग नहीं होती है। 34 में जो होता है कि वो प्री प्लानिंग होती है, एक आदमी जो होता है वो मेन ऑफेंस कर रहा होता है, बाकी उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं सेक्शन 34 में। यहाँ पे जो सेक्शन 37 है इसमें हर इंसान जो है वो कुछ एक्ट एक आदमी कर रहा है, कुछ एक्ट एक, कुछ एक एक, मतलब हर इंसान कुछ कुछ एक्ट कर रहा है और वो मेन जो आपका फाइनल एक्ट होने वाला है उसके लिए वो सारे एक्ट जो है वो सीरीज बनाते हैं। मैंने आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाया है यहाँ पे कि ए और बी हैं, यहाँ पे इनका कोई कॉमन इंटेंशन नहीं है, दोनों ने एक दूसरे के साथ कोई इंटेंशन शेयर नहीं किया है कि उनको एक्स को पॉइजन देना है, लेकिन बी जो है वो एक्स को अलग टाइम पे पॉइजन दे रहा है, ए जो है वो अलग पॉइजन दे रहा है, मतलब कि दोनों ही मेन एक्ट कर रहे हैं पर आधा बी कर रहा है आधा ए कर रहा है। एक्टिव पार्टिसिपेशन वाली जो बात थी सेक्शन 34 में वो यहाँ पर नहीं है, और ए को पता है कि बी जो है वो एक्स को मारना चाहता है, बी जो पता है वो ए को मारना चाहता है, तो दोनों एक दूसरे को इंटेंशनली कोऑपरेट कर रहे हैं हालांकि इनका कोई कॉमन इंटेंशन नहीं है, मतलब इन्होंने अपना इंटेंशन एक दूसरे के साथ शेयर नहीं किया है। तो इस ऐसे केसेस में जो है वो सेक्शन 37 लगता है और 34 से ये अलग है। अब आ जाइए सेक्शन 38 पे। सेक्शन 38 जो है वो कुछ नहीं, वो ये कहता है कि 34 और 37 के अंदर जो भी ऑफेंसेस होते हैं और बहुत लोग मिलकर के जो उस ऑफेंस को करते हैं उस गिल्टी को, तो हो सकता है कि वो सारे पर्सन जो है वो एक ही ऑफेंस के लिए लाइबल हो या डिफरेंट ऑफेंस के लिए लाइबल हो सकता है उन्होंने अगर डिफरेंट इंटेंशन के साथ किया है तो वो डिफरेंट ऑफेंस के लिए लाइबल होंगे और डिफरेंटली पनिश होंगे, अगर सेम इंटेंशन के साथ किया है तो मेन ऑफेंस के लिए लायबल होंगे। मतलब कि पूरे का पूरा जो मेंस रिया है उसका रोल जो होता है वो 38 डिसाइड करने में होता है। तो 38 बहुत ही सिंपल है। अब इसमें एक आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है कि कॉमन इंटेंशन और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के बीच में क्या डिफरेंस है और कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट के बीच में क्या डिफरेंस है। तो जब हम क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी डिस्कस करेंगे सेक्शन 120A और 120B और 149 डिस्कस करेंगे कॉमन ऑब्जेक्ट के रिगार्डिंग, तो फिर हम इसको समझना ज्यादा आसान हो जाएगा कि दोनों में क्या डिफरेंस है, क्योंकि तब तक आप उसका भी कॉन्सेप्ट समझ चुके रहे होंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।